Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.

न्यूज रही हैं उन पर बेस्ड हम लोग 51 वन क्वेश्चन आपके डिस्कस करते हैं एवरी संडे ये सेशन होता है तो बिल्कुल वीकली करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं अपना फिफ्टी वन डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही ट्वेल्थ ऑफ नवंबर का है ना तो फटाफट -फड़ से कनेक्ट हो जाइए लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ ताकि वो भी कनेक्ट हो सके इस वीकली सेशन में बिल्कुल डियर गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को जय हिंद बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद आप सभी को और इसी के साथ ही ट्वेल्थ ऑफ नवंबर हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज दिवाली है तो दिवाली पर सबसे पहले भाई बिल्कुल श्री गणेश किया जाए है ना लक्ष्मी माता और भगवान का आशीर्वाद लिया जाए और आशीर्वाद के साथ ही हम सभी अपने काम को शुरू करते हैं तो ठीक है तो सभी चलिए आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेते हुए शुरू करते हैं ठीक है तो दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं डियर ठीक है बहुत सारी उन्नति करें आगे बढ़े और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डियर दैट इज बात करें डियर, तो बहुत आप सभी को झिलमिलाते झिलमिल झिलमिलाते दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपके घर आंगन में झिलमिलाते दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपके घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए आपके लिए अनंत आशीर्वाद लेकर आए बिल्कुल ऐसी मैं कामना करता हूं डियर आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं ठीक है थीके? आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपका जीवन आगे उन्नति समृद्धि से भरा हुआ हो धन धान्य से भरा हुआ हो तो चलिए इसी पॉजिटिव इसी विश के साथ हम लोग शुरू करते हैं हम सभी बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ ठीक है फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके ठीक है चलिए विश्व वेरी हैप्पी दिवाली दैट इज फिफ्थ नवंबर से अलेवेंथ ऑफ नवंबर तक का वीकली ग्रेंड अफेयर है यानी हम वीकली फिफ्टी वन क्वेश्चन आपके डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बिल्कुल जम के एंजॉय करिए मस्ती करिए लेकिन उसके साथ ही थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहेंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है तो वीकली में फर्स्ट क्वेश्चन आता है डियर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका इंडिया सेलिब्रेट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सी रमन इन सेवेंबर ट्वेंटी थ्री भारत सात नवंबर दो को सीवी रमन की कौन से नंबर की जयंती मना रहा है डियर है ना कौन से नंबर की जयंती मना रहा है तो फटाफट -फड़ आंसर करेंगे आप सभी टाइम स्टार्ट है आप सभी का है ना तो फटाफट -फड़ से आंसर गलते चलेंगे डियर ठीक है

रमन इफेक्ट के लिए 1930 का नोबल प्राइज मिला था सर को फिजिक्स का ठीक है चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है ना और सारे फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, है ना? अभी कितने में मिल चुके हैं है में में है? दो नोबेल प्राइज फिजिक्स की फील्ड के मिल चुके हैं ठीक है, तो right है आपका ऑप्शन बी नेक्स्ट इज विच कंट्री किंग दिल्ली फ्रॉम फॉर टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी किस देश के राजा वांगचुंग प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं है ना यह बिल्कुल क्वेश्चन है आपका ठीक है इसी वीक में रहा था हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर्स के सेशन में फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का डियर ऑप्शन है आपके भूटान म्यामां श्रीलंका या फिर मंगोलिया फटाफट आंसर करेंगे अगर हम बात करें तो यहां पर दो कंट्री तो हैं हमारे तीन कंट्रीज हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं भूटान म्यामां श्रीलंका की बात करें भूटान की राजधानी थिंपू हो जाएगी म्यामा नाइपीडॉ श्रीलंका श्री जयवर्धना पूरे कोटे ठीक है चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर देखते हैं राइट आंसर क्या है राइट आंसर है भूटान भूटान के राजा जी आए हुए थे न्यूडेली आए हुए थे विजिट पे आए हुए थे इंडिया की ठीक है भूटान की बात करें तो कैपिटल है आपकी थिंपू भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है डियर फोर स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है कोड वर्ड क्या है इसका डब्ल्यू ए स्क्वायर एस डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल ए फॉर असम ए फॉर अरुणाचल प्रदेश और एस फॉर सिक्किम ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री इज ऑल सेट टू अनवेल अ प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव वुमेन फॉर वाटर वुमेन फॉर वाटर कैंपेन कौन सा मंत्रालय एक प्रगतिशील पहल महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए पानी अभियान का अनावरण करने के लिए तैयार है तो किसके द्वारा यह शुरू किया गया दियर? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था वोन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमन कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का ठीक है डियर फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी चलते हैं आंसर आंसर की तरफ। right निकल कर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन चलतेमेंट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय वास्तविक समय पर्यावरण पर सक्षम संचार सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है ऑप्शन आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फटाफट आंसर करेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एडियर तो वास्तविक समय पर संचार के लिए इन कोर ठीक है इन कोर इन कोर का देखो फुल फॉर्म भी आपके सामने लिखा हुआ एडियर इस तरह के कोई भी एप्लीवेशन अगर करंट पे न्यूज में रहता है तो डायरेक्टली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या हो जाएगा इनेबलिंग कॉम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट इनेबलिंग इनेबलिंग कॉम्युनिकेशन इनेबलिंग कॉम्युनिकेशन On real time environment, real time environment, ठीक है ये इसका फुल फॉर्म होगा डायरेक्टली ध्यान रखना है भाई किसके द्वारा विकसित किया गया है तो चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलिए चलते नेक्स्ट इज़ ईटी भाई बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है बहुत ही सिंपल सा है आप सभी को बिल्कुल तैयार हो गया होगा और एग्जाम्स में भी बिल्कुल पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा विच आई आई टी सेट इट फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑन जांजीबार आईलैंड इन तंजानिया भाई किस आई आई टी ने तंजानिया में जांजीबार द्वीप पर अपना पहला आई आई टी अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है कौन सी आई टी कानपुर आई बॉम्बे आई, आई मद्रास आई गुवाहाटी फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का मैनी टाइम डिस्कस हो चुका है आइडिया ये है ना देश का पहला आईआईटी है जिसने इंडिया से बाहर जाकर अपना कैंपस ओपन किया है तंजानिया में है ना तंजानिया के जांजीबार में जांजीबार की बात करें डी और जांजीबार जो है तंजानिया जो है तंजानिया से अभी कुछ समय पहले ही यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं यहाँ की राष्ट्रपति जो है वो इंडिया की विजिट पर आई हुई थी सेवन एमओ यू साइन अप करके गई है इंडिया से करके गई थी नाम क्या है उनका सामिया ठीक है है तो कौन सी आई आई है भाई चलेंगे आंसर आंसर की तरफ राइट आंसर हो जाएगा आई मद्रास ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट नाउ ठीक है ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा चलिए चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्कॉलर लीला प्रसिद्ध संगीतकार विद्वान लीला ओमचरी का अभी हाल ही में निधन हुआ है तो संगीतकार है डियर ये यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉइंट डेट यहां पर पूछ दिया है डे आपका इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि भाई किस दिन इनका निधन हुआ है ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से हुई है केवल आपको ध्यान रखना है कि रेनाउंड म्यूजिशियन है ये ठीक है डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा इस तरह से स्कॉलर लीला ओमचरी का अभी ही में निधन हुआ है ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं तो ये क्या है म्यूजिशियन है रेनाउंड म्यूजिशियन एंड स्कॉलर है ठीक है तो चलिए देख भी लेते हैं अब निधन की बात की है तो देख लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ नवंबर को निधन हुआ बिल्कुल न्यूज में था हम लोगों ने डिस्कस भी किया था नेक्स्ट इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉल्ड टू मॉनिटर एयर क्वालिटी किस आई ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमेन नामक उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी कानपुर आईआईटी आई खारगपुर फटाफट आंसर करेंगे डियर। टाइम स्टार्ट है आप सभी का ठीक है तो वायु गुणवत्ता के लिए यह भी डिटेल में न्यूज डिस्कस हुई थी हमारी डेली सेशन में है ना फटाफट आंसर करते चलेंगे डियर कमेंट बॉक्स में क्योंकि मार्क्स भी काउंट करने है और मार्क्स काउंट करके आप सभी को बताने हैं है ना क्योंकि ये हम आपके नवंबर के सेशन में आपके मार्क्स जो आएंगे वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई कितने लोगों ने वीकली सेशन में पार्टिसिपेट किया और कितने मार्क्स गेन किए तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या है राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कानपुर हो जाएगा आईटी कानपुर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कंट्री टू ट्वेंटी फोर्थ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन राइट ट्वेंटी दो हजार पच्चीस में चौबीसवी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा ऑप्शन बांग्लादेश तो फटाफट आंसर करिए डियर आपको बता दूडियर ट्वेंटी फोर्थ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की बात हो रही है प्रेजेंट टाइम आपकी ट्वेंटी थर्ड एशियन आर्चरी चैंपियनशिप चल रही है ठीक है आर्चरी चैंपियनशिप क्या हो रही है

तो ध्यान रखेंगे -E देखिए जो आ रहा है ये देखिए डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब क्या मतलब यहां पे ही कंफ्यूजन हो रहा है तो ए आई एस सी ये ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है तो यही पूछा गया है कि फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल जो है इसकी मीटिंग किस आईआईटी में अभी हाल ही में हेल्ड की गई है तो आपको बताना है फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने फटाफट से बताएंगे आप सभी आंसर क्या होने वाला आइडिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल ठीक है तो ये फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा डायरेक्टली जो एप्लीवेशन कहीं ना कहीं न्यूज में रहे होते हैं डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं डयर तो पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक किस आई में आयोजित की जा रही है ऑप्शन दिए हुए आपके आईटी गांधीनगर आईटी गुवाहाटी आईटी हैदराबाद आईटी खड़गपुर तो आई होप आप सभी के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल वेरी गुड बहुत अच्छे है ना आंसर करते चलेंगे डियर मार्क्स काउंट करते चलेंगे आप सभी को पता है एक सही क्वेश्चन पर आपको प्लस वन देना है रॉन्ग क्वेश्चन पे कुछ नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है जीरो नंबर देना है ठीक तो है तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ राइट right आंसर क्या हो जाएगा आपका आई गांधीनगर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा ठीक है डियर ऑप्शन ए आपका राइट right हो जाएगा आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा आप सभी का तो चलिए चलते हैं इसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है क्स्ट क्वेश्चन आ रहा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है और यह दिवस कब मनाया जाता है फटाफट फड़ से आप सभी बताएंगे टाइम स्टार डे आप सभी का है ना युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए क्योंकि युद्ध जो भी होता है डियर एनवायरमेंट बहुत अधिक यहां पे एक्सप्लाइड होता है तो उसके बचाने के लिए यह डे मनाया जाता है कब मनाते हैं हम इस डे को थर्ड नवंबर फोर्थ नवंबर फिफ्थ नवंबर या फिर सिक्स नवंबर डेली सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया था डियर जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए भाई डेली मॉर्निंग सेवन ए कनेक्ट हुआ करें अगर आप डेली सेशन में कनेक्ट होंगे तो वीकली करंट अफेयर्स में जो हम क्वेश्चन करते हैं उनके भी आंसर्स आप कर पाएंगे

करोड़ करोड़ लगभग रुपए के मार्केट ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम, लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? हिंदुस्तान इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का ठीक है। तो फटाफट से आंसर करें भाई राइट आंसर क्या निकल आने वाला है राइट right आंसर है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बिल्कुल डियर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो है एक्वाजीशन किया है अप्रॉक्स अमाउंट भी आपको ध्यान रखना है वन फोर एट करोड़ किसका एम पी एल का शॉर्ट में नाम ध्यान रखेंगे ठीक है डियर चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई इंडियन पोएट है गिव पटेल वेन डिड पास डे भारतीय कवि पटेल का निधन कब हुआ डियर ये पोएट है इंडियन पोएट है इनका नाम है पटेल ठीक है इनका निधन कब हुआ यह डायरेक्टली पूछा गया है आपसे डेट हमें नहीं ध्यान रखनी होती ऑबिचरी में लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है इस तरह से है कि पास डावे बता ही दिया इंडियन पोएट है तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि बताइए किस फील्ड से बिलोंग करते हैं लीडर है, है ना या फिर पॉलिटिशियन है या फिर एक्टर है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल यह पोएट है लेकिन डेट पूछी गई है डेट वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन चलिए डेट पूछी है तो हम देख लेते हैं डेट नहीं पूछी जाती है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट डेवलप्ड द एग्रीकल्चर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ट्वेंटी फोर सेवन स्लैस सेवन प्लेटफॉर्म कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि ट्वेंटी फोर स्लैश सेवन प्लेटफॉर्म विकसित किया है टीसीएस टेक महेंद्र नीति आयोग या फिर वाधवनी इंस्टीट्यूट फटाफट आंसर करेंगे डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि ट्वेंटी फोर स्लैश सेवन प्लेटफॉर्म विकसित किया है फटाफट आंसर करेंगे आप सभी टीसीएस टेक महेंद्रा नीति आयोग वाधवनी इंस्टीट्यूट चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है

तो राइट right आंसर निकल कर आ रहा है डियर तमिलनाडु तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इज हु लॉन्च द भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसने लॉन्च किया आर के सिन्हा राजनाथ सिंह अनुराग ठाकुर अमित शाह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसने लॉन्च किया है टाइम स्टार्ट है फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की बात हो रही है है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा अमित शाह अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है चलते हैं नेक्स्ट इज बिल्कुल बैक टू बैक आंसर करते चलेंगे डियर वीकली सेशन चल रहा है फिफ्टी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके साथ और ये सेशन है फिफ्थ ऑफ नवंबर से इलेवंथ ऑफ नवंबर तक के जो भी न्यूज रही है उन पर बेस्ड एमसीक्यूज जो कि हम ट्वेल्थ ऑफ नवंबर को डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग सेवन एम सेशन में ठीक है तो बिल्कुल आप सभी कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से तो चलिए हम लोग चलते हैं देखते हैं मिलियन टन ऑफ टन ऑफ कार्गो कौन सा बंदरगाह 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा डियर फटाफट आंसर करेंगे क्या आंसर होने वाला है चेन्नई पोर्ट इन्नौर पोर्ट मुंद्रा पोर्ट या फिर कामराजर पोर्ट ठीक है फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का तो बताइए क्या आंसर होने वाला है तो डी चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है मुंद्रा पोर्ट ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा मुंद्रा पोर्ट ऑप्शन सी इज राइट नाउ नेक्स्ट इज हु द चिल्ड्रंस साइंस फेस्टिवल बिल्कुल बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है अभी ये बाल महोत्सव का उद्घाटन जो हुआ है डियर हैर के द्वारा किया गया है सी एस आई आर के द्वारा किया गया है कहां पर जम्मू में है ना कहां पर किया गया है डियर जम्मू में किया गया है कौन मिनिस्टर हैं किसके द्वारा किया गया है तो बिल्कुल ऑप्शंस आपके दिए हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमित शाह राजनाथ सिंह या फिर अनुराग ठाकुर जिससे बच्चों में वैज्ञानिक भावना को क्या किया जा सके क्रिएट किया जा सके जिज्ञासा एक प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया इसके साथ ही जिज्ञासा

ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन लुलू हाइपर मार्केट या फिर पोर्टो फटाफट आंसर करेंगे समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं डियर ठीक है तो बताइए कौन क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर फटाफट हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है एनआरडियर बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चलिएगा भैया और बिल्कुल अगर सेशन पसंद कर रहे हैं तो भाई लाइक करते चले सेशन पसंद कर रहे हैं तो लाइक करते चले और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ भी C, आपका राइट हो जाएगा लुलू हाइपर मार्केट नेक्स्ट वेयर इज द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम बींग ऑर्गेनाइज दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच कहां आयोजित किया जा रहा है लंडन हेग न्यूयॉर्क न्यू हेग नीदरलैंड में है लंडन यूके आप सभी जानते हैं तो चलते हैं आंसर की तरफ बताइए फटाफट फड़ से क्या आंसर होगा सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम बींग ऑर्गेनाइज दूसरा विश्व स्थानीय उत्पाद मंच कहां आयोजित किया जा रहा है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हेग आपका राइट आंसर हो जाएगा हेग चलिए चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच इंडीज प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है जैशन होल्डर साई होप निकोलस पूरन या फिर सुनील नैरन चलेंगे आंसर की तरफ उससे पहले आप सभी आंसर करें कमेंट बॉक्स में और बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चलिएगा गर, गर, गर कॉमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं चले आंसर की तरफ राइट right आंसर निकल कर आएगा सुनील नैर ऑप्शन डी आपका राइट right हो जाएगा ठीक है के आपके खिलाड़ी हैं हैं ये प्लेयर नेक्स्ट इज कंट्री हैज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिल्कुल ये क्वेश्चन रहा था ये न्यूज रही थी सेशन में हम लोगों के कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन का नया सदस्य बनाया है चिली केन्या कनाडा या फिर साउथ अफ्रीका फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का है ना अंतर्राष्ट्रीय सौरस गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर है, इंडिया के हरियाणा के गुनगांव में है राइट आंसर है यहां पर चिली ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है भाई कब मनाया जाता है फोर्थ ऑफ नवंबर फिफ्थ नवंबर

जी जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसको क्या किया गया था शुरू किया गया था हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन राइट आंसर तो right निकल कर आ रहा है सेवेंथ ऑफ नवंबर सेवेंथ ऑफ नवंबर को इसे क्या किया गया कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को क्या किया गया ऑब्जर्व किया गया ठीक है चलिए चलते नेक्स्ट इस नेक्स्ट क्वेश्चन आर आई डी आर हैज बीन अपॉइंटेड एज द जनरल ऑफ इंडिया भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अजय सिंह राजीव कपूर विनय अवस्थी हितेश कुमार एस मकवाना फटाफट आंसर करेंगे आप सभी आप सभी सभी टाइम स्टार्ट है है का ठीक भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका हितेश कुमार एस मकवाना ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा हितेश कुमार एस मकवाना नेक्स्ट इज विथ सिप ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हैजीन डी कमीशन एट नवंबर 2023 ट्वेंटी थ्री भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा जहाज आठ नवंबर दो हजार तेईस को सेवा मुक्त कर दिया गया है संग्राम आचल प्रबल या फिर सागर शक्ति ठीक है फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आठ नवंबर को सेवा मुक्त कर दिया गया मतलब डीकमीशन कर दिया गया है भारतीय तटरक्षक बल तटरक्षक बल का कौन सा जहाज टाइम स्टार्ट है फटाफट आंसर करेंगे किया गया है तो संग्राम अचल प्रबल या फिर सागर शक्ति चलेंगे आंसर की तरफ डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है संग्राम ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा संग्राम ठीक है चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट तो डियर ये हमारे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का बंस था जो कि हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही अब हमारे बचे हुए रिमेनिंग ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है उनकी तरफ हम मूव ऑन करेंगे ठीक है तो आई होप बिल्कुल आप सेशन अगर पसंद कर रहे हैं तो फटाफट फड़ से लाइक करते चले फटाफट फड़ से सेशन को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है वीकली करेंट अफेयर्स में हम फिफ्टी वन क्वेश्चन करते हैं डियर और ये जो सेशन है ये आप सभी को पता है फिफ्थ ऑफ नवंबर से अलेवेंथ ऑफ नवंबर तक की हम न्यूज को एज अ एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो चलिए चलते हैं ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ दैट इज तो ट्वेंटी निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में बारह जीएसटी सेवा केंद्र लॉन्च किए भाई असम हरियाणा गुजरात या फिर प्रदेश फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का चलेंगे आंसर की तरफ फड़ा फड़ा है फटाफट से भाई किस राज्य में स्थापित किए गए हैं 12 जीएसटी सेवा केंद्र लॉन्च किए गए हैं और ये लॉन्चिंग निर्मला सीतारामन जी के द्वारा की गई है जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो फटाफट आंसर करें डियर आप सभी चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन सी गुजरात आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट नाउ ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आई डर हुईसआर पोर्टल टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन कार्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशियटिव कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल में पारदर्शिता में सुधार के लिए सी एस आर पोर्टल किसने लॉन्च किया है ऑप्शन है आपके पी एफ सी एरिडा एन एचपीसी या फिर एनटीपीसी लिमिटेड फटाफट आंसर करेंगे आप सभी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल में पारदर्शिता में सुधार के लिए सी एस आर पोर्टल किसने लॉन्च किया है फटाफट से आंसर करेंगे चले आंसर की तरफ तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारे फुल फॉर्म्स आपको पता करने डियर ठीक है बिल्कुल चलिए चलते नेक्स्ट इज हुआ द नाइनटींथ कालेकर पुरस्कार सॉरी कलाकार पुरस्कार सॉरी कलाकार पुरस्कार ठीक है टंग पिस्ट होती कलाकार पुरस्कार की बात हो रही है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कों म्यूजिक भाई कंकनी संगीत में उनके योगदान के लिए उन्नीसवें कलाकार पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डियर ये है ना तो फटाफट बताएंगे टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका नाम है जॉन एंगर या फिर जॉन डी सिल्वा या फिर रेमो फेरनेडेस या फिर एपोलिनरेस डी सूजा चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है भाई तो राइट right आंसर निकल कर आ रहा है आपका एपोलिनर डी सूजा डी सूजा ऑप्शन डी आपका राइट right हो जाएगा उन्नीसवे कलाकार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है कोंकड़ी संगीत में उनके योगदान के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट इज हु शिवाजी महाराज स्टैचू स्टैचू इन जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा ऑन सेवन नवंबर ट्वेंटी थ्री सात नवंबर दो हजार तेईस को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है तो अनावरण ये किसके द्वारा किया गया है शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया सेवेंथ ऑफ नवंबर को जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शरद पवार सुप्रिया सुले या फिर देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ नाथ सिंधे फटाफट -फड़ बताएंगे डियर टाइम स्टार्ट है आप सभी का ठीक है तो फटाफट -फड़ से आंसर करते चलेंगे शरद पवार सुप्रिया सुले या फिर देवेंद्र फडणवीस या फिर एक नाथ सिंधे चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है एक नाथ सिंधे टर्मिनल प्रोजेक्ट अमेरिका में अमेरिका ने अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में कितने निवेश की घोषणा की है भाई फाइव फाइव थ्री मिलियन डॉलर फाइव नाइन टू मिलियन डॉलर सिक्स थ्री फाइव मिलियन डॉलर या फिर सिक्स एट सेवन मिलियन डॉलर ठीक है ये डियर एज अ बाय डिफॉल्ट आया है ये चलिए फटाफट करेंगे आंसर क्या राइट right आंसर होने वाला है तो राइट right आंसर निकल कर आए उससे पहले आप सभी को आंसर करना है डियर अमेरिका ने अदानी श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में कितने निवेश की घोषणा की है तो राइट right आंसर है आपका फाइव फाइव थ्री मिलियन डॉलर ठीक है डियर बिल्कुल अमाउंट आपको ध्यान रखना होगा फाइव फाइव थ्री मिलियन डॉलर नेक्स्ट इज सेट टू बी नेक्स्ट सीएमडी ऑफ़ कोंकण रेलवे लिमिटेड फ्रॉम नवंबर दो हजार तेईस से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अगला सीएमडी कौन बनने वाला है तो बिल्कुल ये ऑफ़ नवंबर से ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में बन गए हैं कौन है अरुण कुमार जैन संतोष कुमार झा नरेश ललवानी या फिर जया वर्मा सिन्हा फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है आप सभी का आरा? बिल्कुल अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है संतोष कुमार झा ऑप्शन भी आपका राइट right हो जाएगा विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल वर्ष मनाया जाता है आपके साथ डिस्कस हुआ था डेली सेशन में रेडियोग्राफी की बात करें डियर एक्सरे बहुत सारी चीजें कर आती है एटीन में क्या हुआ था रॉन्गटन साहब थे उनके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी है ना रॉन्गटन रॉन्गटन ने डिस्कवरी की थी एटीन में और डेट क्या थी डेट ही आपकी क्या होगी आंसर होगी तो 8th number, 9, 1895 में डिस्कवरी हुई थी तो ये राइट right आंसर बिल्कुल यहां पर निकल कर क्या आएगा एथ नवंबर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इज बिकम द फर्स्ट टीम टू अक्रॉस द मार्क ऑफ टू मेडल्स इन द थर्टी सेवेंथ नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा गोवा में आयोजित सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है भाई हरियाणा है कर्नाटका है महाराष्ट्र है या फिर मध्य प्रदेश है फटाफट आंसर करेंगे आप सभी टाइम स्टार्ट है आप सभी का है ना फटाफट से आंसर करते चलेंगे सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है थर्टी नेशनल गेम्स गोवा चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है महाराष्ट्र आप सभी को बता रही महाराष्ट्र ने सबसे अधिक मेडल जीते हैं और मेडल टेली में फर्स्ट प्लेस पर रहा है ठीक है तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा नेक्स्ट इज हाउ मच डेड इंडिया नेशनल कोल इंडेक्स इंक्रीज इन में भारत का राष्ट्रीय कोयला सूचकांक कितना बढ़ गया, जो अप्रैल 2023 के बाद पहली है. बढ़ा है, या फिर 2.45 पॉइंट फिर 1.99 पॉइंट फटाफट आंसर करेंगे आप सभी चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है बिल्कुल टाइम स्टार्ट है आप सभी का तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका में का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? Andy Murray, Carlos Alkraz, Grigor, Dimitrov, या फिर नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं आप सभी जानते हैं टाइम स्टार्टेड फटाफट आंसर करेंगे आप सभी तो लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है चले आंसर की तरफ तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर नोवाक जोकोविच बिल्कुल सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच इन्हीं के द्वारा पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑनर्ड विद ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड टू नाइजेंड किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दो से सम्मानित किया गया है ऑप्शन से आपके गोवा केरला उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश फटाफट आंसर करेंगे आप सभी टाइम स्टार्टेड यर किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर निकल कर आ रहा है केरला ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इज टीम टाइटल ऑफ सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी थ्री सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी दो हजार तेईस का किस टीम ने जीता है फटाफट आंसर करेंगे डियर सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी दो हजार तेईस का खिताब किस टीम ने जीता है बिहार पंजाब बड़ौदा या फिर उत्तर प्रदेश चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर है डियर पंजाब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा आप मार्क्स काउंट करते चलिएगा डियर क्वेश्चन के आंसर करते चलिएगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके है ना ये नवंबर का सेकंड वीक हम बोल सकते हैं बिल्कुल क्योंकि फर्स्ट सेशन जो हुआ हुआ था 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 वीकली वाला वो हमारा ऑफ ऑफ नवंबर नवंबर को हुआ था। को संडे और आज हम सेकंड संडे में आ चुके हैं नवंबर के और नवंबर का सेकंड संडे जो है वो है ट्वेल्थ ऑफ नवंबर को ठीक है तो फिफ्थ ऑफ नवंबर यानी संडे से लेकर सैटरडे तक की न्यूज हम ट्वेल्थ ऑफ नवंबर को डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच प्लेयर क्वलिंग सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ हाइएस्ट नंबर ऑफ 49 सेंचुरीज इन वनडे इंटरनेशनल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बस डियर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे है याँपे. ना कौन सा खिलाड़ी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक उनचास शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है रोहित शर्मा बाबर आजम डेविड बार्ना विराट कोहली बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को पता है राइट आंसर क्या है विराट कोहली ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज सिक्स्थ इंडियन कंसल्टेट द यूनाइटेड स्टेट्स लोकेटेड संयुक्त में छठा भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ स्थित है न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क शिकागो एलेनोसिंग में या फिर टेक्सास होस्टन फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का संयुक्त राज्य अमेरिका में छठा भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ठीक है सिक्स इंडियन कंसल्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स लोकेटेड आपका वाशिंगटन के सियाटल में ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दो हजार तेईस किसने जीती है मैक्स नॉरिस फर्नाडो ओलांसो या फिर सार्जियो पेरेज चलेंगे आंसर की तरफ देखेंगे राइट आंसर क्या है फटाफट आंसर करिए काउंट करिए ठीक है काउंटिंग अपनी करते चलिएगा क्योंकि मार्क्स आपको बताने हैं ठीक है चलिए चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर क्या है, आंसर है, मैक्स है आपका राइट हो जाएगा, मैक्स is, में किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है असम राजस्थान महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन फटाफट आंसर करेंगे आप सभी ठीक है फटाफट फड़ से आंसर करते चलेंगे चलते हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है भाई टाइम स्टार्ट है आपका देखते हैं राइट आंसर क्या है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका महाराष्ट्र ठीक है पहली फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो है ये एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए लॉन्च की गई है और ये सबसे पहला स्टेट आपका कौन है फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट ज बीन अपॉइंटेड एज द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है टी नागेश्वर वी चंद्र शेखर सैयद अकबरुद्दीन अरिंदम बगाची बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई फटाफट फड़ बताएंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं यह पहले भी था जब इसका अप्रूवल मिला था जब ये फिक्स हुआ था और अब इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है डियर तो कौन है पर्सन फटाफट फड़ बताएं वी चंद्रशेखर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज इन अ ग्लोबल वेलबींग सर्वे इन विच पोजिशन डज इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉई वेलबींग वैश्विक कल्याण सर्वेक्षण में कर्मचारी कल्याण के मामले में भारत किस स्थान पर है भाई फर्स्ट रैंक सेकेंड फिफ्थ या फिर टेंथ फटाफट आंसर करेंगे ग्लोबल वेलबींग सर्वे कर्मचारी कल्याण के मामले में भारत किस स्थान पर है well के मामले में भारत वेलबींग स्थान पर है आपका राइट आंसर आ रहा है सेकेंड रैंक ठीक है सेकेंड रैंक है नेक्स्ट इज इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड द प्रोग्राम पोषण भी पढ़ाई भी पोषण भी पढ़ाई भी राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है इंदौर पटना जयपुर वाराणसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फटाफट आंसर करेंगे आप आप सभी सभी टाइम स्टार्ट है आप सभी का तो फटाफट से चलते हैं हम आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है डियर यहां पर इंदौर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट टो हैज फॉर्मली सस्पेंडेड द कोल्ड वॉर सिक्योरिटी टीटी भाई कोल्ड वॉर सिक्योरिटी टीटी को क्या कर रहा है सस्पेंड कर रहा है नाटो वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लेकिन यहां पर क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है कि नाटो का मुख्यालय क्या है यानी क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ है

सक्सेसफुली टेस्ट ऑन सेवेंथ नवंबर थ्री सात नवंबर दो हजार तेईस को भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है ऑप्शन है आपके नाग प्रलय पृथ्वी या फिर त्रिशूल फटाफट आंसर करेंगे डियर टाइम स्टार्ट है आपका सेवेंथ ऑफ नवंबर को हुआ है डेट आपको ध्यान नहीं रखनी लेकिन हाँ सतह से सतह में मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए है ना डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है प्रलय ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज विद होम वॉज एपीडिया साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मुझे लग रहा है हाँ बिल्कुल इससे पहले हम लोग कर चुके थे, थे थे इसको डिस्कस ठीक है लेकिन क्वेश्चन में आप सही आंसर करेंगे तो आपका मार्क्स काउंट होगा बिल्कुल है ना भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडिया ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तो फटाफट आंसर करेंगे बिल्कुल है ना अभी हम लोग देख के आ रहे हैं रिपीट हो गया है तो चलिए कोई नहीं चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आएगा लुलू हाइपर मार्केट ऑप्शन राइट होगा जिन्होंने राइट आंसर किया है वो मार्क्स आपका ऐड करिएगा जिनका रॉन्ग हुआ है वो नहीं ऐड करिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट इज वॉट परसेंटेज डिक्रीज इज एक्सपेक्टेड इन इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन फॉर द दाइजेंड ट्वेंटी फोर सीजन ड्यू टू इशूज लाइक पिंक वॉलवॉर्म एंड मानसून चैलेंजेस ग्लाबी वॉलवॉर्म और मानसून चुनौतियों जैसे मुद्दों के कारण दो हजार तेईस चौबीस सीजन के लिए भारत के कपास उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी होने की उम्मीद है भाई फाइव परसेंट सेवन परसेंट एट परसेंट या सिक्स परसेंट फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है तो रियर राइट आंसर है यहां पर भाई कितनी उम्मीद है कम होने की कितने प्रतिशत कम होने की उम्मीद है तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है सिक्स परसेंट ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा डियर ठीक है सिक्स परसेंट के डिक्रीज होने की उम्मीद है चलेंगे नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आर एडियर हु लॉन्च द भारत आटा इनिशियटिव टू तो प्रोवाइड एफोर्डेबल वीट फ्लोर फ्लोर टू कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं को किफायती गेहूं आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा पहल किसने शुरू की है पीयूष गोयल निर्मला सीतारामन नरेंद्र मोदी अमित शाह फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का चलेंगे आंसर आंसर की तरफ देखते हैं राइट क्या होने वाला है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर आप सभी का पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इज कॉम्पेयर टू लास्ट ईयर स्टबल बर्निंग इन पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश है पिछले साल की तुलना में पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाई गई तो इसमें पिछले साल की तुलना में क्या हुआ है भाई इंक्रीज हुआ है द सेम रहा है इंक्रीज स्लाइटली हुआ है या डिक्रीज बाय हाफ हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है जैसा दिल्ली के हालात है एंड अदर उसको देखते हुए यहाँ पर फाइनली कंपेयर किया गया है अगर हम बात करें लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो बताएं फटाफट क्या है राइट right आंसर की तरफ चलें तो राइट right आंसर निकल कर आ रहा है डिक्रीज बाय हाफ ऑप्शन डी आपका राइट right हो जाएगा डिक्रीज बाय हाफ ठीक है चल चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्लाय चोस्कावा सोपका वॉल्केनो रिसेंटली इरप्ट कॉजिंग स्कूल क्लोजा इन इट्स विसिनिटी डियर हम बात करें हाल ही में किस देश में क्लाय चोस्कावा आपका so, ज्वालामुखी फटा जिसके कारण इसके आसपास के स्कूल बंद हो गए डियर ये कहां पर है भाई किस देश में है रशिया चाइना कजाकिस्तान या फिर जॉर्जिया चलेंगे आंसर की तरफ फटाफट आंसर 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 करेंगे आप सभी टाइम स्टार्ट है आपका करते चलिए चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है डियर रशिया ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा रशिया तो डियर बिल्कुल ये था हमारा आज का सेशन आई होप एंड अगेन आप सभी को विश वेरी हैप्पी दिवाली ठीक है प्रकाश का त्योहार है सफलता और समृद्धि की तरफ आप आगे बढ़े बिल्कुल ऐसा आप सभी के साथ बिल्कुल आप सभी को विश है वेरी वेरी हैप्पी दिवाली ठीक है चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट इज अगर हम चलें, तो बहुत ही अच्छे से, से सेलिब्रेट दैट ने, नेक्स्ट इज है ना बहुत ही खुशनुमा बिल्कुल विंटर स्टार्ट होती है और इधर से दिवाली का फेस्टिवल रहता है तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड अगेन आप सभी आप सभी पेरेंट्स को है ना बिल्कुल सभी को प्रणाम है चलिए चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट इज तो डियर बिल्कुल आई होप आप सभी ने सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा थैंक यू एवरी आप सभी का है ना अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट फड़ से सेशन को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ भी शेयर करो और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को इसके साथ ही डियर मैं आप सभी को बताऊं कि भाई सेशन जो है डेली होगा मॉर्निंग सेवे एम आपको कनेक्ट होना है फेस्टिवल है सेलिब्रेट करिए लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है क्लास थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होते रहनी चाहिए है ना तो मॉर्निंग क्लास सेवन एम आप आएंगे 13, 14 और 15 को एक किया गया है, जिसमें हम थर्टी नवंबर को अप्रैल एंड मे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टॉप सिक्सटी क्वेश्चन फोर्टीन को हम जाएंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे जून और जुलाई के टॉप सिक्सटी यानी थर्टी थर्टी क्वेश्चन टॉप सिक्सटी क्वेश्चन और इसके बाद में हम फिफ्टीन ऑफ नवंबर को आपके साथ अगस्त और सितंबर के टॉप सिक्सटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सेशन में जुड़ना नहीं भूलना है है ना बिल्कुल सेशन में आपको कनेक्ट होना है और फाइनली उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार करना है क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं तो बिल्कुल ध्यान रखिए लाइव जुड़िएगा कनेक्ट होइएगा मॉर्निंग सेवन एम ठीक है डियर तो आज के लिए इतना ही विषय वेरी हैप्पी दिवाली महेंद्रास फैमिली की तरफ से आप सभी को ठीक है मिलते हैं हम लोग इसके साथ ही कल मॉर्निंग एम ठीक है थैंक यू एवरीवन गुड बाय टेक केयर हैव नाइस डे सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट